अभी गाइस हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग साइकिलिंग पे निकले। ऐसे कर करके काफी आगे पैर, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। तो भाई मेरे ये वाला भी हम लोगों ने ट्राई कर लिया, वीर जी का ये वाली। इधर भी था, लग रहा है सब तोड़ दिए हैं। नहीं नहीं तोड़ा नहीं, वो वाला टूट गया है, ये खड़ा होकर के करने वाला है। भाई ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है, ये बैठकर हम खड़े होकर, और इधर कुछ नहीं टूट गया। ये इलेक्ट्रॉनिक होता तो सब भरे लगी। उसके बाद ये आता है दोस्तों साइकिलिंग, और साइकिलिंग हम लोग कर ही रहे हैं, कितना करें, भारी चल रही है, कितना हल्का है। वाओ, अब तक तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पर हैं। इधर आइए, यहाँ यहाँ शीशों पे, हम भैया शीशों पे, हम भैया दोनों लोग शीशों पे। ये वाला गेम खेले बहुत दिन हो गया, बैठिए। भाई मैं टंग गया, ये नीचे बैठ गया, वजन की बात ऐसे कैसे होगा। नहीं रुके, हम ठीक से बैठे पहले, वजन अभी वजन आगे पीछे छोड़ते रहिए, नहीं तो फिर हम लटक जाएंगे। हम लोग को 10-12 के बाद ही जो है, 12 के बाद छोटी वाली मोबाइल मिली थी जब निकले थे पढ़ाई के लिए। आजकल के छोटे बच्चों को ही मोबाइल मिल जा रहा है, लो फीचर फोन नहीं चाहिए, एंड्रॉइड फोन लो। तो इसीलिए तो देखो ना, जल्दी चश्मा लग जा रहा है, हाइट छोटी रह जा रही है ना, बीमारी हो जा रही है बंदो। टंग गए, ओ भाई मारो मुझे, मारो। तुम आउटर में जाके तुम बैठ रहे हो, हम समझ रहे हैं, चलाकी कर रहे हो। देखा जाए तराजू में ही एरर है, एक साइड वेट ज्यादा है। जब न्यूरो वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो ज्यादातर डॉक्टर यही प्रीफर करते हैं, हाथ से घुमाओ करो। बकरियां सही बात है। अभी दोस्तों कौन से झूले पे है पता है आपको, उसमें जिसमें ज्यादा चक्कर आता था। झूला 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 करो, चक्कर आ रहे हैं भैया को देखिए, गोल गोल चक्कर। बच्चों के लिए मैकेनिकल सही है,
दोस्तों अब मकड़ी मैन बनेंगे हम लोग, ऊपर जाएंगे इस पे। रुक के मैं चढ़ता हूँ, हल्के हल्के होने का फायदा। फोटो नहीं, उस साइड, इस साइड चढ़ो। चलो गधा हो गए तुम। मैं दिखाऊं चढ़ के? गंदा ना करना कपड़ा। चलो हम दिखाते हैं, चलो। चढ़ गया आखिरकार ये लड़का, देखिए दोस्तों उतनी हाइट पे। हाँ जैसे चढ़े हैं वैसे उतरिए। आजकल के टाइम में पानी पीने के लिए भाई 10 रुपए से नीचे कुछ नहीं होता, 15 रुपए से पानी पीने को जगह ही नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर दिया है नल, बड़े प्यार से चल रहा है। कैसा है? पता नहीं। सो गाइज आपने देखा इतने सारे हमारे लोकल में जो पार्क है, टायर के हैं पार्क। नहीं ये सब लोहा भी है, लेकिन टायर से ज्यादा यूटिलाइज, टायर का बहुत ज्यादा यूटिलाइज किए हैं ये लोग। अब देखते हैं आगे क्या क्या है, और बाकी सब तो देख ही लिए। अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही बहुत। पेड़ पौधों के नीचे झूला। आपको पार्क कैसा लगा भाई? हमें तो बहुत मजा आया, पसीने भी छूट गए करते करते। और जैसा आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए भाई। दोस्तों ये देख रहे हो बड़ा सा फाटक है, पूरा बंद नहीं है ये, थोड़ा सा खुला है, इसी में से पानी पास हो रहा है, उस पार जा रहा है प्रेशर में। हाँ जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ाना होगा इसको ऊपर करेंगे। देखिए तार बंधी हुई है, ये ऊपर से खोला, ऊपर से उठाया जाएगा फाटक को। डैम में भी यही चीजें होती हैं, इधर पानी का बहाव उधर भेजा जा रहा है, रोक भी दिया जा सकता है जरूरी पड़ने पे। देखिए दोस्तों डैम के इस पार आ चुके हैं, और फाटक का स्पीड, पानी का जो धार है वो देखिए कितना तगड़ा है इस पार है। अरे यहीं पर था ये नेट वाला। पानी की स्पीड आप देख रहे हो दोस्तों, ये छोटा सा जबकि डैम है, अभी बड़ा होता तो क्या, यहाँ मीटर बना है पानी नापने के लिए, लेवल नापा जाए, पानी का लेवल नापने के लिए। यहाँ नीचे से इत्थे आ गए हम लोग पानी के एकदम पास। तो भाई यही है हाइड्रो डैम, इसी तरीके से ये काम करता है।
जब चाहे तब उधर पानी रोक सकते हैं ज्यादा और जब चाहे तब बढ़ा सकते हैं। अभी खोल रखे हैं, यहाँ पानी नापने के लिए सारी चीजें हैं, सीढ़ी बनी हुई है नीचे तक पूरी 11-12। प्रेशर देखो दोस्तों पानी का, देखिए दोस्तों पानी आ रहा है एकदम साफ दिख रहा है, यहाँ से पानी आते हुए उस पार से, गेट उतना खुला है। दोस्तों साइकिलिंग बहुत हो गई, अब चल रहे हैं हम लोग रिटर्न अपने रूम की तरफ। वीर जी यार दोपहर हो गया, अभी वक्त क्या है, तो भाई अब वापस